नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल PK एजुकेटर में। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और ये वीडियो है यूपी स्कॉलरशिप के ऊपर। काफ़ी अच्छी न्यूज़ मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में कि जो आपके पिछले सत्र की स्कॉलरशिप नहीं आई थी, वो चाहे 2014-15 की हो, 15-16 हो या 16-17 की, तो वो आने वाली है। उसके लिए आपको क्या सावधानियाँ रखनी है खाते को लेकर, और क्या प्रोसीजर है उसका, कब तक आ सकती है, क्या कुछ चल रहा है उस विषय में जो आपके पिछले सत्र की स्कॉलरशिप नहीं आई थी, उस बारे में पूरी बात करूंगा मैं इस वीडियो में। तो आप बने रहिए वीडियो में हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक। और उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोज सबसे पहले आपको मिल सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये खबर है आजमगढ़ के हवाले से, लेकिन आप ये ना समझिएगा कि ये खबर केवल आजमगढ़ ज़िले के लिए है, क्योंकि अगर नियमावली और विभाग में कुछ होता है तो वो पूरे प्रदेश के लिए ही होता है। तो देखिए, यहाँ जो ये आजमगढ़ में न्यूज़ इसलिए निकली है क्योंकि वहाँ के समाज कल्याण अधिकारी हैं जो राजेश कुमार यादव, उन्होंने जानकारी दी है। न्यूज़ ये इसलिए वहाँ ये आजमगढ़ की न्यूज़ बनी है। तो देखिए, उसमें न्यूज़ क्या है कि जिला समाज कल्याण अधिकारी राजेश कुमार यादव ने बताया कि दसमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति यानी पोस्ट मैट्रिक वालों की योजना अंतर्गत वर्ष जो 2014-15, 15-16 एवं 2016-17 के अंडर प्रोसेस डाटा जो कि स्टेटस में प्रदर्शित हो रहा था, भारत सरकार से धनराशि प्राप्त होने के उपरांत शासन की अनुमति से छात्रों के खातों में धनराशि प्रेषण की कार्यवाही निदेशालय स्तर नियमावली में दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार प्रक्रियाधीन है। उन्होंने जनपद के समस्त शिक्षण संस्थानों को सूचित किया कि अनुसूचित जाति के छात्रों का डाटा स्टेटस में अंडर प्रोसेस प्रदर्शित हो रहा है। वे छात्र अपने बैंक खातों को सही एवं क्रियाशील रखें, जिससे कि अंडर प्रोसेस डाटा के रूप में प्रदर्शित अनुसूचित जाति के छात्रों को दी जा रही छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि उनके बैंक खातों में बिना किसी व्यवधान के अंतरित हो सके। तो जो पूरी खबर का सार है वो मैं आपको बता दूँ कि देखिए, जो SC की स्कॉलरशिप आती है, सबको पता होगा कि वो सारा पैसा जो है केंद्र सरकार की तरफ से आता है और उसको प्रदेश सरकार बांटती है। तो जो 2014-15, 15-16 और 2016-17 के ऐसे SC के छात्र जिनकी शुल्क फीस वापसी और स्कॉलरशिप दोनों चीज़ें नहीं आई थी या एक चीज़ कुछ भी नहीं आई थी, वो चाहे किसी भी सन में रहे हों, 2014-15 में, 2015-16 में या फिर 2016-17 सीजन जो वर्ष होता है शैक्षिक वर्ष, ठीक है, तो अगर इन पर नहीं आई थी आप लोगों की, तो अब आप लोग अपना स्टेटस चेक करिए उसी साल का, आप लोग अपना स्टेटस चेक करिए। 2014-15 में अगर आपका फॉर्म रहा हो तो 2014-15, 2015-16 में रहा हो तो 2015-16 और ये 2016-17 का रहा हो तो 2016-17 आप चेक करिए। अगर आपके स्टेटस में अंडर प्रोसेस डाटा दिखा रहा है तो आप अपने बैंक अकाउंट को क्रियाशील रखें, एक्टिव रखें, उसमें कुछ लेन देन कर लीजिए, क्योंकि आपकी जो शुल्क छात्रवृत्ति है वो आने वाली है पुरानी छात्रवृत्ति। काफ़ी बड़ी खुशखबरी है SC के स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन इस चीज़ को मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि ये जो सारी जानकारी है या फिर स्कॉलरशिप आनी है वो केवल SC के स्टूडेंट्स की आनी है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसी ही लेटेस्ट वीडियोज स्कॉलरशिप और न्यूज़ से, एजुकेशनल न्यूज़ से रिलेटेड लेकर आते रहते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।